बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। तो ये अगस्त का महीना है। ये देखिए सियालकोट का वेदर भी कितना खूबसूरत हो गया है। अल्लाह ताला की रहमत भी बरस रही है। तो कल से 9 अगस्त है, हमारे स्कूल भी ओपन हो रहे हैं। तो कल बच्चों का पहला दिन होगा स्कूल में। वैसे तो स्कूल पंजाब गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट में 2 तारीख को ही ओपन हो चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चों का स्कूल 9 अगस्त को ओपन होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बरान रहमत जो है हमारे लिए मफी साबित हो, माले रहमत का बायस बने। और ये जो कच्चे घर हैं, कच्चे मकान हैं, इनके लिए ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। अल्लाह ताला उनको भी महफूज रखे, ताला उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुमामी। तो नाजरीन, ये वेदर की बात हो रही है। जिस आपकों का वेदर बहुत खुशनुमा है, ये वीडियो में आप देखेंगे आगे जाकर। ये देखिए मैं आपको ऊपर बाजे करके दिखाता हूँ। ये हमारी छत पे साथ जो है ना 14 अगस्त का बड़ा सा झंडा भी लगाया है। ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मैं इस मौसम को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये बादल भी गरज रहे हैं, जो आप इस वीडियो में बादलों की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। जक्रिया इस मौसम को किस तरह इंजॉय कर रहा है, तो एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरू में मैं इसका जिक्र ना कर सका, मेरा बड़े ब्रदर इन लॉ वो पिछली इतवार को हरकत क्लब कल बंद होने की वजह से वफात पा चुके हैं तो उनकी एज भी कोई ख़ास नहीं थी, 43 ईयर्स के थे। लेकिन अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो अल्लाह ताला उनकी मगफरत करें, उनको जन्नत अल फरदौस पे जगह दे, आमीन। आप सब भी उनके लिए दुआ करें।